कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताने वाला हूं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो स्टोरेज डिवाइस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जब भी कोई आपसे पूछे तो आप यही बताना, और इस वीडियो को देखने के बाद प्राइमरी मेमोरी का एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी होता क्या है वो देखो। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी कहते हैं, इस नेम को थोड़ा याद रख लेना। एग्ज़ाम में अक्सर इसी नेम से क्वेश्चन आता है, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं, लेकिन नहीं, प्राइमरी को ही मेन मेमोरी बोलते हैं। द मेमोरी यूनिट दैट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द CPU इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी का वो यूनिट जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है CPU से, उसी को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। तो ये हो गया प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, और उसका सेकेंड नेम भी मैंने डिस्कस कर दिया। अभी देखो इसका टाइप। प्राइमरी मेमोरी ना टू टाइप का होता है, पहला होता है रैम, सेकेंड होता है रोम। तो अभी रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, आपको ये भी जानना चाहिए, तभी तो प्राइमरी मेमोरी का आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। तो सबसे पहले रैम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम चिप इज मेड विद मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। रैम का जो चिप होता है ना, वो मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर से बना होता है। इस नेम को भी ध्यान में रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है MCQ में कि रैम का चिप किससे बना होता है, तब आपको ये नेम लिखना है, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। इट वर्क्स ओनली वेन आवर मोबाइल कंप्यूटर इज वर्किंग और ऑन। रैम तभी काम करता है जब हमारा मोबाइल या फिर कंप्यूटर ऑन होता है, या फिर हम इसमें काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद काम, जैसे कंप्यूटर मोबाइल को हम बंद करते हैं काम करने के बाद, हमारा रैम भी, उसका जो डेटा होता है वो भी मिट जाता है, डिलीट हो जाता है। इसीलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। वोलाटाइल का मतलब ही होता है टेम्पररी स्टोरेज, मतलब जब तक आप काम करेंगे आपका डेटा रहेगा, काम बंद, रैम भी बंद, डेटा भी गया। अभी रैम का टाइप देखो, दो टाइप का रैम होता है, पहला होता है स्टैटिक रैम और सेकंड होता है डायनेमिक रैम, ठीक है। तो ये रैम के बारे में हुआ। अभी आपको सेकंड टाइम रोम के बारे में बता रहा हूँ मैं। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इन दिस मेमोरी इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड, नो राइट ऑपरेशन कैन टेक प्लेस। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसके नेम से ही पता चल गया होगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते हो, कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अभी रोम का टाइप देख लो आप। पी रोम, इसका मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम। ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और लास्ट में ईईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो अभी रैम रोम में डिफरेंस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रैम ना वोलाटाइल होता है, मतलब जब हमारा कंप्यूटर या मोबाइल ऑन होता है तभी इसमें डेटा जो रहेगा वो सेव रहेगा, ये बंद होते ही आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। रोम में आपका डेटा परमानेंट सेव रहता है। मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन, गेम डाउनलोड करा, तो वो रोम में जाके स्टोर हो जाता है, वो परमानेंट सेव रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप उस एप्लीकेशन या फिर गेम को खेलने के लिए जाएंगे, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, वो अपने आप रोम से रैम में चला जाता है, तब हमारा रैम का काम स्टार्ट होता है। जब तक हम गेम खेल रहे होते हैं, हमारा रैम काम कर रहा होता है। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का स्पीड आपके रैम पे डिपेंड करता है। टेम्पररी स्टोरेज का काम रैम करता है, वोलाटाइल नेचर होता है इसका, इसका नेचर परमानेंट होता है, इसका डेटा फिक्स होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ आप रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। रोम के डेटा को अगर राइट करना है ना, तो सबसे पहले उसे रैम में लेके जाओ, फिर आप जो करना है करो। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारा डिफरेंस बता दिया, रैम रोम क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। अगर आप फिर भी रैम रोम के बारे में डिटेल में डिफरेंस करके एनालाइज करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है डिफरेंस बिटवीन का। आप उस वीडियो को देखिए जो स्क्रीन में आ रहा है, तो आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।